इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। और अय्यूब को याद कीजिए, जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुँची है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है, तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। फिर जो कुछ उसे तकलीफ थी वो हमने दूर कर दी, और हमने उसे उसके अहलो अयाल और उनकी मानिंद उनके साथ मजीद भी अपने पास से बतौर रहमत अता किए और इबादत करने वालों के लिए नसीहत के तौर पर। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु ताला के बरगुजीदा नबी थे। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर ऐसी शदीद आजमाइश आई कि वो बहुत लंबी बीमारी में मुब्तला हो गए, और इसकी वजह से उनके अहलो अयाल भी उनसे जुदा हो गए, या ये भी कहा जाता है कि वो फौत हो गए, माल मवेशी भी हलाक हो गए। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर मुसीबत पर सब्र किया, अपने रब पर भरोसा किया, कोई शिकवा नहीं किया, कोई वावैला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। जब तकलीफ हद से बढ़ गई तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की, उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि जमीन पर अपना पाँव मारो। उन्होंने पाँव मारा तो ठंडे पानी का चश्मा नमूदार हो गया। हुक्म हुआ कि इसे पियो और इससे गुसल करो। वो मुबारक पानी पीने और उस पानी के साथ गुसल करने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई। यानी पानी उनके लिए शफा का बायस बन गया अल्लाह के इज़्ज़त से, और वो पूरी तरह सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके घर वाले भी अता फरमा दिए और इतने ही और भी दे दिए। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब को याद कीजिए अलैहिस्सलाम जब उसने अपने रब को पुकारा। निदा का लफ्ज़ है नादा, निदा कहते हैं बुलंद आवाज से पुकारने को। यानी एक दुआ होती है जो हम चुपके चुपके मांगते हैं, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगी, इज नादा रब्बहू निदा अन खफिया। वहाँ निदा का लफ्ज़ है लेकिन निदा अन खफिया, यानी ऐसी पुकार थी जो कि चुपके चुपके थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ निदा का लफ्ज़ है, नादा का लफ्ज़ है। तो उन्होंने अपने रब को पुकारा। दोनों तरह पुकारना चाहिए, दिल ही दिल में, चुपके चुपके और बुलंद आवाज से भी। रब हर तरह सुनता है। क्या पुकार के कहा? अन्नी मस्सनी अद्दुर, या रब मुझे तकलीफ पहुंची है। दुर से मुराद इंसान की जिस्मानी बदहाली है, बीमारी, लागरी, बुढ़ापा, ये सब चीजें दुर में आती हैं। वह अंत अरहमुर राहिमीन, और आप सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। कितना खूबसूरत अंदाज है पुकारने का, दुआ करने का। मुख्तसर अल्फाज है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, चंद लफ्ज हैं लेकिन बड़े ही जामे लफ्ज, और किसी चीज का मुतालबा भी नहीं किया, सिर्फ रहम की दरख्वास्त की, यानी अल्लाह ताला की रहम का एक तरह से वास्ता दिया। अंता अरहमुर राहिमीन, तो क्या हुआ नतीजा? फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, उसकी गिरिया उजारी कबूल कर ली। फकशफना बिही मिन दुर्रन, और जिस तकलीफ में हमने उसे मुब्तला किया था उससे आफियत अता कर दी। वआतैनाहु अहलहु व मिसलहुम माअहुम, और जिस तरह उन्हें पहले अल्लाह ताला ने अहलो अयाल और मालो दौलत और सेहत और आफियत अता की थी, वो सब चीजें अल्लाह ताला ने लौटा दी, बल्कि और भी ज्यादा अता की। और दुनिया की नेमतों के साथ इस सब्र पर आखिरत के बड़े अजर सवाब का भी वादा किया। अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है। इन्ना वजदनाहु साबिरन नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, बेशक हमने उसे साबिर पाया। अल्लाह ने गवाही दे दी कि वो सब्र करने वाले थे। हम सब्र भी करते हैं तो बाज़ोकात ऐसी तकलीफ में होते हैं कि सोचते हैं पता नहीं ये भी सब्र है या नहीं, यानी हमारा सब्र भी सब्र है या नहीं, उसमें भी डाउट हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने उनके सब्र को मान लिया कि साबिर है। नेमल अब्द, कितना अच्छा बंदा। तो इससे पता चलता है कि सब्र करने वाला, गम से गुजरने वाला जब सब्र करता है तो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है, और साथ ही यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। यानी इसका ये मतलब नहीं कि पहली दफा वो दुआ कर रहे थे या पहली दफा वो रब की तरफ उन्होंने रग़बत की थी इतने साल की बीमारी गुजार कर, और पहले उन्होंने कभी नहीं पुकारा था। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत ज्यादा रुजू करने वाले थे रब की तरफ, बहुत ज्यादा अपने रब को पुकारने वाले थे। फिर फरमाया रहमतम मिन इंदिना, उन्होंने अरहमुर राहिमीन कहा, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से नवाजा। रहमतम मिन इंदिना, अपने पास से रहमत अदा की। और ये रहमत क्या थी? अव्वल शदीद बीमारी और तकलीफ और आजमाइश के साथ उन पर रहम किया,
फिर उन्हें सब्र की तौफीक देकर उन पर रहम किया, फिर दुआ कबूल करके उन पर रहम किया, फिर दुआ कबूल करने के बाद सेहत के साथ और माल दौलत वगैरह लौटाया उसके साथ। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की अजीम रहमत थी, रहमतम मिन इंदिना। और फिर आप देखें कि उस रहमत का एक जाहिरी मैनिफेस्टेशन क्या था। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टिड्डियां आप पर गिरने लगी, जैसे बारिश होती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। उनके रब ने उन्हें पुकारा कि ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इस चीज से बेनियाज नहीं कर दिया जिसे तुम देख रहे हो? यानी मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में इसकी कोई लालच नहीं, कोई रहमत नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे पास अल्लाह ने पहले से ही बहुत कुछ अता कर दिया है, तो तुम फिर क्यों ये समेट रहे हो? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ तेरी बुजुर्गी की कसम, लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिए बेनियाजी कैसे मुमकिन है, यानी उससे मैं बेनियाज नहीं हो सकता। तो बंदा मोमिन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी करता है और इस्तगना भी बरतता है, दिल में लालच भी नहीं रखता, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से बिन मांगे उस तक कोई नेमत पहुंचती है तो उसको अल्लाह की रहमत समझता है, बरकत समझता है, और उससे तकब्बुर करते हुए बेनियाजी नहीं बरतता या ऐसा जोहद और ऐसा तकश्शुफ जाहिर नहीं करता कि ले जाओ इसको, उठा लो इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करता। ये भी शुक्रगुजारी का ही एक अंदाज होता है। और उनके दिल में यानी एक तरह से ये शुक्रगुजारी थी कि ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिरा कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा था जो उन पे सोना बरसा रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही आ रहा था और उनके वहम गुमान में भी नहीं था। और जो चीज किसी लालच और किसी हिर्स के बगैर इंसान के पास आती है तो उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक नेमत समझकर शुक्रगुजार होना चाहिए बंदे को। वज़िक्रा लिलआबिदीन, और इबादत गुजारों के लिए एक नसीहत है इस वाक्य में। यानी अमूमन जो इबादत गुजार लोग होते हैं अगर उनकी दुआ कबूल ना हो तो बाज़ औक़ात वो मायूस होने लगते हैं, इतनी दुआ की फिर कुछ नहीं हुआ, या फिर ये कि बाज़ औक़ात इबादत की वजह से शैतान दिल में एक अजीब सा ख्याल डाल देता है कि तुम तो बहुत नेक हो और तुम्हारा दुनिया से क्या ताल्लुक हो, और इंसान सिर्फ दुनिया को क्रिटिसाइज ही करता रहे और दुनिया को बुरा भला ही कहता रहे, तो ऐसा नहीं। यानी इबादत और अल्लाह की नेमत दोनों जमा भी हो सकती हैं, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जमा हुई थी कि वो इबादत गुजार थे, अवाब थे, बहुत ज्यादा अपने रब को पुकारते थे, उसकी तरफ रुजू करते थे, और अवाब जो था सिर्फ दुआ नहीं करता बल्कि नमाज और दीगर नेक अमाल के साथ अपने रब की तरफ रुजू करता है। और उसमें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे पर अपनी रहमत फरमाता है, सेहत देता है, ताकत देता है, तो ऐसे में वो मजीद शुक्रगुजार होता है। तो इस वाकये में इबादत गुजारों के लिए एक नसीहत है कि अगर बीमारी आ जाए, अगर तकलीफ आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, अगर मुख्तलिफ चीजों के जरिए इंसान की आजमाइश हो तो फिर किस तरह सब्र किया जाए, अल्लाह ताला के सामने कैसे फरियाद पेश की जाए, और फिर जब अल्लाह ताला इनाम फरमाए तो किस तरह बिहेव किया जाए। क्योंकि बाज लोग तकलीफ में तो अल्लाह ताला की तरफ रब्बत करते हैं लेकिन जब तकलीफ दूर हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं और फिर वो उसको अपना कारनामा बताने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया और वैसा किया, ये एक्सरसाइज की और ये दवा खाई और ये तरीका इख्तियार किया तो इस वजह से मुझे ये शिफा हुई है, और अल्लाह ताला को उसमें से निकाल देते हैं। तो बंदा मोमिन किसी हाल में भी, चाहे सब्र हो या शुक्र हो, वो दोनों कैफियात में रब ही के साथ जुड़ा रहता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया हदीस में थोड़ी तफसील के साथ भी आता है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में 18 बरस बीमार रहे, एक दो दिन नहीं 18 साल, करीबी और दूर के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, साथियों ने छोड़ दिया, अलबत्ता उनके भाइयों में से यानी दीनी भाइयों में से दो आदमी सुबह शाम उनके पास आते जाते रहे। तो एक दिन एक अपने दूसरे साथी को कहने लगा, क्या तू जानता है अल्लाह की कसम अय्यूब ने कोई ऐसा गुनाह किया है जो जहान वालों में से किसी ने नहीं किया। उस पर उसके साथी ने कहा, वो कौन सा? उसने कहा, देखो 18 साल हो चुके हैं, अल्लाह ने इस पर रहम नहीं किया कि इसकी आजमाइश इससे हटा दे। क्योंकि बाज़ औक़ात इबादत गुजारों की जब आजमाइश लंबी हो जाती है तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत दीन वाले हैं और ये तो कुरान वाले हैं और ये तो बहुत नमाजी हैं और हर जुमरे करते हैं और फिर देखो इनके साथ क्या हो रहा है।
तो उनके ऊपर भी इसी तरह की बात हुई। जब वो शाम को अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए तो एक ने बेसब्री में वो बात जिक्र कर दी कि वो कोई ये कह रहा था तुम्हारे बारे में। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका इल्जाम सुनकर कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो इस तरह की कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है। अब रिएक्शन देखें। हाँ, इतना जरूर है कि अल्लाह ताला जानता है कि दो आदमियों के पास से मेरा गुजर होता था जो आपस में झगड़ रहे होते थे, वो दोनों ही अल्लाह का नाम लेते थे, फिर मैं अपने घर वापस आता और उन दोनों की तरफ से कफारा अदा करता और इस बात को नापसंद करता कि वो नाहक अल्लाह का नाम ले रहे हैं। यानी ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो अल्लाह का नाम लेके लड़ रहे हैं, तो मैं उनकी बख्शिश के लिए सदका कर देता था कि उनकी पकड़ ना हो इस पर। यानी ऐसे नेक इंसान। बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश और बीमारी ऐसी थी कि जब वो कजाए हाजत के लिए बाहर जाते और फारिग हो जाते तो उनकी बीवी उनको हाथ से पकड़ कर सहारा देती थी, हत्ता कि वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते। यानी इतने कमजोर और लागर हो गए थे। एक दिन वो लेट हो गए और उनकी बीवी उनके इंतजार में रही और अल्लाह ने अय्यूब की तरफ वही की, उर्कुस बिरिजले का, यानी बाहर ही गए हुए थे तो वहीं पर, उर्कुस बिरिजले का हादा मुख्तसल बारिदु मशराब, अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है। उधर उनकी बीवी समझ रही थी कि वो देर कर रहे हैं, यानी अपनी हाजत से फारिग होने देर हो रही है और वो जरा हट के खड़ी होंगी और इंतजार कर रही थी। जब वो वापस पलटे तो अल्लाह ने उनकी तमाम बीमारियां दूर कर दी और वो बहुत हसीन लग रहे थे। जब उनकी बीवी ने उनको देखा तो पहचान न सके। पूछा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, क्या तुमने अल्लाह के नबी जो बीमार है उन्हें देखा? अल्लाह की कसम, जब वो सेहतमंद थे तो तुमसे सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते थे। तो उन्होंने कहा, मैं वही अय्यूब हूँ। यानी इतनी देर में ही तकलीफ दूर हो गई, और किससे? पानी से। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दो खलियान थे, एक गंदम का था और एक जौ का। अल्लाह ने उस पर दो बादल भेजे, एक बादल गंदम वाले खलियान पर आकर सोना बरसाने लगा, हत्ता कि वो सोना बहने लगा, और दूसरा जौ के खलियान पे आके चांदी बरसाने लगा, यहाँ तक कि चांदी बहने लगी। इस तरह अल्लाह ने उनको माल भी दिया और दौलत कसीर भी दी, यानी उनकी नेमतें पहले से भी ज्यादा हो गई, अगरचे 18 साल की आजमाइश थी। इस दौरान वो अल्लाह के नबी भी रहे, यानी अल्लाह ताला ने इस बीमारी के बावजूद उनसे उनकी जिम्मेदारी नहीं ली बल्कि उसको अदा करते रहे। और एक वफादार बीवी थी और दो दीनी साथी थे जो आते जाते थे, बाकी सब छोड़ गए थे। चूंकि इसके आखिर में आया है कि जिक्रा लिल आबिदीन, इस कहानी में, इस वाक्य में इबादत गुजारों के लिए, नेक लोगों के लिए एक बड़ी नसीहत है कि अगर तकलीफ आए और आजमाइश आए तो फिर करते क्या है। इससे ये भी पता चलता है कि आजमाइश नबी और गैर नबी दोनों पर आ सकती है, क्योंकि हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि जो नेक लोग हैं उन पर आजमाइश नहीं आ सकती। नहीं, सब पर आ सकती। अंबिया भी आजमाए जाते हैं, बल्कि अंबिया की आजमाइश ज्यादा होती है और फिर जो उनसे करीब तर होते हैं, यानी जितने जितने नेक होते हैं उसके मुताबिक। और फिर ये है कि जब तकलीफ आए तो वाबैला करने की बजाय इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। और फिर ये कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है जब इंसान अल्लाह के खूबसूरत नामों या सिफात के साथ गिरियाउजारी करता है, इससे मुसीबत दूर होती है और मुसीबत आने पर उसके गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए और इंसान को हौसले में रहना चाहिए कि आज तक जितनी तकलीफें आई सब चली गई, ये भी एक वक्त आएगा तो चली जाएगी, कोई भी मुसीबत हमेशा के लिए नहीं बाकी रहे। और ये भी याद रहे कि जो शख्स तकलीफ पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इनाम से नवाजता है और आखिरत का अजर तो उसके लिए लिखा ही जाता है। और हमेशा इंसान अपने आप को उस तकलीफ के वक्त याद दहानी कराता रहे कि इन्नमा अल उस्री युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, बेशक उसी मुश्किल के साथ एक और आसानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदद सब्र के साथ और कुशादगी तंगी के साथ, और बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, बेशक उसी मुश्किल के साथ एक और आसानी। बस इंसान की निगाहें हों जो उस आसानी को ढूंढने वाली हो, सिर्फ इंसान तकलीफ पर नजर न रखे बल्कि उसके साथ इंसान को जो मजीद चीजें गौर व फिक्र करने, सोचने और समझने और अपने अमल में तब्दीली लाने का एक मौका मिला है, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली है, उसको भी इंसान जरूर जहन में रखे। दूसरी आयत जो है वो है, वह इजा मरित तो फहुआ यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। यानी बीमारी में इंसान को इस चीज का यकीन रखना चाहिए कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और वो शिफा दे तो पानी के साथ भी दे देता है। ये दुआ और ये कौल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है जो कुरान मजीद में आया है, सूरत अश्शुरा की आयत नंबर 80 है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम के सामने तौहीद की दावत पेश की थी
اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا انہی الفاظ میں کہ الذی خلقنی فہو یهدینی والذی ہو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی شفا دیتا ہے. انسان کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے. اس لیے جب بیماری آئے، جب تکلیف آئے، تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے، پہلا خیال اللہ کی طرف جائے، ڈاکٹر کی طرف نہیں، دوا کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف نہیں. اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں، اگر کہیں چوٹ لگتی ہے، اگر کہیں درد ہوتی ہے، اگر کہیں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے، ایک دم گلا پکڑا جاتا ہے کچھ، تو کیا خیال آتا ہے کہ اس سے نجات اور خلاصی کیسے ہوگی، اب کیا کروں؟ کیونکہ انسان فوراً اس کا توڑ سوچتا ہے نا کہ یہ مشکل آ گئی، اب اس کا توڑ کیا ہو، اب میں کیا کروں. تو سب سے پہلے اللہ سے دعائی، اللہ تعالیٰ کا نام بھی شافی، یہاں شافی کہہ کے پکار سکتے ہیں، اللہ شفا تیرے ہاتھ، یا رب تو مجھے شفا دے، جو اپنی زبان میں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی، پہلے اللہ کو پکارے، اللہ تو اس کی صحت کے اسباب پیدا کرتے، تو یہ آسانی پیدا کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. کیونکہ تکلیف ہمارے عقیدہ توحید کو بھی آزماتی، اس کی بھی آزمائش کے لیے آتی. تو جب انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہی سبب پیدا کرے گا اور باقی سب اسباب ہے، دوا ہو یا دعا ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر کی یا کسی انسان کی مدد ہو، یہ سب وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، جبکہ اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے، کرتا وہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ادب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بیمار ہونے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیمار کرتا تو اللہ، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفینی، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن شر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، تندرستی اور فراغت، فرصت، یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ کاموں میں دبے ہوئے نہیں ہیں، ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، لیکن لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اسی طرح فراغت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ بیماری اور بڑھاپے کے منہ میں جا پڑتے ہیں، جب وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں، اپنے جسم پر ناروا بوجھ نہ ڈالیں. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، رات پر نماز پڑھتا ہوں، دن کو روزہ، رات کو نماز، نہ کھانا نہ نیند، یعنی بہت کم دونوں چیزیں. تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں، تو میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے اور افطار نہیں کرتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ یعنی مجھے یہ معلوم ہے، یہ نہیں بتایا کس نے بتایا کیا، یعنی مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے، کنفرم کرو یہ ایسے ہی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا، تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، اور ہر 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے رہے، یعنی ہر وقت روزے سے رہے اور ہر وقت جاگتے رہے، تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا. یعنی عبادت میں بھی اعتدال کرو، اس طرح کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان کا بھی حق ادا کریں، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں، اور اپنے جسم کا، آنکھوں کا، اور باقی تمام چیزوں کا. اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے، یعنی صحت جو ہے یہ بڑی دولت ہے مال سے بھی. تو اس لیے مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے. عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے،
سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ مال و دولت کا مالداری کا تذکرہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں. یعنی ایک شخص کے اندر اگر اللہ کا تقوی اور خوف ہے اور ساتھ اس کے پاس مال بھی بہت ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے, اور دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے. یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اطمینان ہے اور وہ خوش ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں, بڑے بڑے ریکارڈ توڑ لیتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد, جو ایک دم ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے, بے شمار اس کے فینز ہیں, نام میں نہیں لوں گی, لیکن اس نے کہا کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میں گول کر رہا تھا اور ایک دم مجھ پہ ڈپریشن کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد میں پیچھے 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 گرتا چلا گیا. یعنی ساری دنیا اس کی طرح لک فارورڈ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے, اور اس پر لمحے کے لمحے میں آن کی آن میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے, اچانک اس کے اوپر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا, کسی لمحے کا نہیں پتا کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اطمینان قلب نصیب کیا ہے تو اس وقت پھر اس نے اپنی ذہنی حالت اور پھر کس طرح اس نے پبلکلی اس کو ایکسپٹ کیا کہ میں بیمار ہوں اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں, ہمارے ہیروز جو ہیں وہ تو سپر سے سپر مین ہی نظر آئے, وہ کبھی اظہار ہی نہ کریں کہ ان کو کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی پریشانی, لیکن انسان تو کہیں بھی پہنچ جائے وہ انسان ہے اور کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ کہ ہم کچھ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہ یہ کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی تکلیف آئے گی اور نہ ہی ان پر کوئی آزمائش آئے گی. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے, اور انسان دنیا میں مال و دولت کے یا شہرت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے اس کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تکلیف نعمت میں بھی بدل سکتی ہے اور نعمت تکلیف میں بھی بدل سکتی ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جو اس حدیث سے پتہ چلتا وہ یہ کہ مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غریب سے غریب شخص ہے لیکن انتہائی ایکٹیو, صحت مند, بھاگ دوڑ کرنے والا, کام کرنے, جیسے عموماً بیک ہوم میڈز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں, لیکن ان کو اپنی اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رکھے ہیں اور ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کے اس لحاظ سے محتاجی نہیں ہے. ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان سے بہتر ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے جبکہ ہمیں ان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھر ہے یا گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم محروم ہیں. اللہ کے اس حدیث کی روح سے زیادہ محروم وہ ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو, کوئی خوف نہیں, وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو, صرف اس ون سنگل ڈے کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے, گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی. اگر انسان ان نعمتوں پہ سوچے اور شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو, کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی. معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دیے. فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے, یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو, کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقیری سے پہلے, فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. اسی طرح آپ نے ایک موقع پر ابن عمر سے فرمایا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو, شام کا انتظار نہیں کرو, شام ہو تو صبح ہونے کا نہ سوچو. یعنی جو وقت ہے اس میں جیو, اس کی قدر کرو, اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ, اس میں اچھا اچھا کام کر لو, یہ نہ سوچو اچھا صبح ہوگی تو پھر کر لیں گے, اگر اس وقت وقت ہے تو پھر اس وقت وہ کام کر لو. کیونکہ عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا نام کیا ہوگا, یعنی مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے. اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے. آج کے لوگ بہت سے تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اب یہ بات بہت ان ہو گئی ہے کہ لیو ان مومنٹ, ناؤ کی اہمیت, اور اس پہ کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں کہ
उस मोमेंट में जियो जिसमें जी रहे हो और उसको एंजॉय करो। लेकिन बहुत से लोग जो वक्त इस वक्त है उसकी कदर नहीं करते, या माजी के बारे में सोचते रहते हैं कि ये क्यों हो गया वो क्यों, या मुस्तकबिल क्या होगा किसने जाना। बाज लोग परेशान रहते हैं हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, हमें क्या पता कि हम बुढ़ापे तक जिंदा भी हैं या नहीं है। तो जो अल्लाह ने दिया है उससे खूब खूब फायदा उठा लेना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि इंसान को न सिर्फ ये कि अपनी सेहत बल्कि अपने माहौल की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की थी, अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत इसी तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्का की मोहब्बत, बल्कि इससे भी ज्यादा। अल्लाह हमारे सा और मुद में बरकत अता फरमा और मदीना की आबो हवा हमारे लिए सेहत अफजा कर दे, यहाँ के बुखार को जोफा में भेज दे, यानी कहीं और चला जाए, मदीना को एक पुरअमन जगह बना दे। तो इंसान को अपने बदन में भी आफियत की दुआ करनी चाहिए, अपने घर में भी, अपने शहर में, अपने मुल्क में, कि जहाँ हम रहते हैं अमन अमान के साथ रह सकते हैं। क्योंकि इंसान अमन के साथ ही बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। जब इंसान के ऊपर एक खौफ सवार होता है, उसके हालात परेशानी का शिकार होते हैं, तो उसको ये नहीं समझ आती कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी बाजू का दिल जमता ही नहीं फिर किसी काम के करने के लिए। फिर इस बात को याद रखना चाहिए कि बीमारी का आना अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला किसी वक्त किसी को भी आजमा सकता है। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, हम जरूर तुम्हें खौफ फाके नीज जान और माल और फलों के खसारे में मुबतला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तो उसमें जान जो है उसकी आजमाइश में सेहत की आजमाइश भी शामिल है, यानी जान जाने के अलावा दुनिया में रहते हुए इंसान बीमार रहे। फिर याद रखिए कि तकलीफ और बीमारी अंबिया को भी आ सकती है, जैसे हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि 18 साल बीमार रहे, और इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई दफा बुखार आया। अबू सईद कहते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप बुखार में मुब्तला थे, आप पर चादर थी, उन्होंने अपना हाथ चादर पे रखा, कहा कि अल्लाह के रसूल आपका बुखार बहुत सख्त है। आपने फरमाया बेशक हमारा हाल इसी तरह होता है, हम पर आजमाइश सख्त होती है और हमें अजर भी दुगना दिया जाता है। यानी एक आम बंदा जिस चीज से आजमाया जाता है, एक दीन वाला और फिर खास तौर पर नबी, उससे बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, क्योंकि जिसका दर्जा जितना बुलंद होता है उसकी आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में आजमाइश के लिहाज से सख्त कौन होता है, आपने फरमाया अंबिया, कहा फिर कौन, फरमाया उलमा, कहा फिर कौन, फरमाया नेक लोग। यानी जैसे जैसे आपके दर्जे होंगे उसी हिसाब से आजमाइश होगी। इसलिए अगर किसी के ऊपर कोई तकलीफ बड़ी आ जाती है तो वो तब भी अल्लाह से अच्छा गुमान रखे कि अगर अल्लाह ने मुझे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा आजमा लिया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की मुझ पर नजर करम है। और फरमाया कि उनमें से किसी को जुओं से आजमाया जाता यहाँ तक कि वो उसे कत्ल कर देते, यानी इतनी जुएं पड़ती है और वो साफ होती ही नहीं, निकालते होंगे फिर और पड़ जाती, फिर और पड़ जाती, खून ही चूस जाती होंगी। और उनमें से किसी को फकर के साथ आजमाया जाता यहाँ तक कि वो छोटी सी कमीज के सिवा कुछ न पाता, चनाचे वो उसे ही पहन लेता। और उनमें से कुछ आजमाइश पर बहुत खुश होते हैं बनिस्बत उस शख्स के जो कुछ दिए जाने पर खुश होते हैं। यानी अल्लाह के नेक बंदों की एक पहचान ये भी है कि जब उन पर कोई तकलीफ आती है तो परेशान होने की बजाय वो अल्लाह से राजी हो जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुना, मुझे इस काबिल समझा तो इसलिए मुझ पर ये इम्तिहान डाला। यानी आफियत तो मांगनी चाहिए, लेकिन मांगने के बावजूद अगर अल्लाह ताला आजमा लेता तो नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं। मसलन एक इंसान नेक काम कर रहा होता है लेकिन अभी उसका वो दर्जा नहीं ऊंचा गया, वो ग्राफ अभी नीचे ही है, कि यकायक ऐसी मुसीबत आती है कि जिस पे सब्र की वजह से वो आला तरीन दर्जे पे पहुंच जाता है, और अगर वो सब्र नहीं करता तो पहले से भी नीचे आ जाता है। अंबिया को दो दो आदमियों के बराबर बुखार होता है। फिर आप देखिए कि मुसलमान को जब कोई कांटा भी चुभता है तो फिर उसके जरिए अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे दूर करता है जैसे सूखे दरख्त से पत्ते झड़के उसको साफ कर देते हैं। मरीज के लिए खुशखबरियां भी हैं। अब अपनी कोई ना कोई बीमारी तकलीफ याद कर ली, क्योंकि आजकल तो हर शख्स किसी न किसी बीमारी में कहीं ना कहीं मुब्तला रहता ही है, और वो बहुत बॉदर भी करती है बाज़ औक़ात कि कब मेरी जान छूटेगी इससे, और ये क्यों है, और मुझे इतनी दवा खानी पड़ती है और बाकी लोग बगैर दवाओं के भागे दौड़े फिरते हैं। तो इंसान बिला वजह अपने ऊपर एक शैतानी वसवसों की वजह से बोझ महसूस करने लगता है। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको मुसीबत में मुब्तला कर देता है। ये सही बुखारी की रिवायत है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु,
क्योंकि उस तकलीफ और उस आजमाइश और उस स्पिन के अंदर से गुजर के बंदा निखर जाता है या फिर पलट जाता है। तो ये जो निखार है ना और ये चमकाव जो है इंसान के दिल के अंदर और इंसान की पर्सनालिटी में, ये मुश्किल से गुजर कर ही आता है। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह बंदे को किसी मुसीबत के साथ आजमाता है और वो अपनी हालत और कैफियत की बिना पर उसे नापसंद करता है, तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफारा और उसे पाक करने का सबब बना देता है, जब तक कि वो लाहिक होने वाली तकलीफ को अल्लाह के अलावा किसी और दर पर पेश नहीं करता, यानी उसे दूर करने के लिए गैर अल्लाह को नहीं पुकारता, अल्लाह ही को पुकारता, अल्लाह ही से दुआएं मांगता है। तो मोमिन को तो एक कांटा भी चुभ जाए तो उस पर भी अल्लाह सुभान व तआला उसका गुनाह माफ कर देता है। अबू सईद कहते हैं, एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें जो बीमारियां लगती हैं, ये बताइए कि इन पर हमारे लिए क्या है। आपने फरमाया, ये बीमारियां गुनाहों का कफारा बन जाती हैं। उबई इब्ने काब ने अर्ज किया, अगरचे बीमारी छोटी हो। आपने फरमाया, अगरचे एक कांटा ही चुभ जाए या इससे भी कम। बाज़ुकत आपने देखा होगा कि आप गार्डनिंग कर रहे होते हैं या फूल तोड़ने लगते हैं, कोई सब्जी तोड़ने लगते हैं, तो आपके हाथ में छोटा सा नजर ना आने वाला छोटा सा कांटा चुभ जाता है। अब वो नजर भी नहीं आता, लेकिन उसकी चुभन और उसकी बदरेशन और उसकी तकलीफ ऐसी होती है कि इंसान किसी पल उसको भूलता नहीं, यानी उसे बेचैन रखता है वो। इस पर भी अजर है, लेकिन उस वक्त अजर भूल जाता, बस तकलीफ ही याद रहती, और इसके बदले अल्लाह ताला इंसान के दर्जात बुलंद कर देता है। सदर जी, मुझे ख्याल आया कि अजर के लिए शायद हम इतने हरीस नहीं है, हम उसको इतना उस तरह मटेरियलाइज करके नहीं देखते। जैसे कांटे चुभने और इसकी बात की ना आपने, मुझे ख्याल आया कुछ लोग अपनी माली मजबूरी की वजह से जाके ब्लड अपना बेचते हैं, यानी पिंच करा के ब्लड निकलवाते हैं, कोई वीकनेस होती होगी या कोई ऑर्गन बेच देते हैं, कोई इस तरह का चीज होती है, तो वो उनके सामने वो माली फायदा होता है, जिसे वो इनको ज्यादा चाहिए होता है, तो वो अपने जिस्म का एक हिस्सा या जिस्म का खून बेच देते हैं। लेकिन इंसान के ऊपर अचानक से कोई आजमाइश आ जाती है तो उस वक्त वो चीज नजर नहीं आ रही होती ना कि उसके बदले अजर मिलने वाला क्या है। जैसे पढ़ा भी है, हदीस में भी है, यकीन भी है, लेकिन शायद हमारी वो लेवल ऑफ हिर्स नहीं है कि हम फिर उस पे उस वक्त सब्र कर जाए। असल में जब आखिरत को सामने रख के इंसान जीता है ना, तो चीजें और तरह नजर आती हैं, फिर हर चीज के बारे में इंसान मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, निगाह ही बदल जाती है, वो आजमाइशों को मुख्तलिफ तरह देखता है, वो नेमतों को मुख्तलिफ तरह देखता है, वो माल को किसी और तरह देखता है, वो जिंदगी के मंसूबे किसी और तरह बनाता है, उसकी प्लानिंग कुछ और होती है, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सादा जी, आपने अक्सर देखा है जब हम मरीज के पास होते हैं और हम किस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, कई लोगों को तो ही मरीज की आदत के आदाब भी नहीं आते और उल्टा उनको वो डीमोटिवेट करके उठते हैं कई मरतबा, तो ये इस किस्म की बातें जो है अगर हम कहीं लिख लें और कहीं ले जाएं। मैं बल्कि किताब निकाल के रखी थी कि मैं साथ लेकर आऊंगी, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ उसका बहुत सा मटेरियल उसके अंदर मौजूद है, यानी ये किताब जो है इसमें इसी तरह रिसर्च करके ये सारी अहादीस और फिर आया दुआएं वगैरह जमा की गई थी कि जब भी कोई बीमार हो तो उसको तोहफा दे दिया जाए, वो बैठ कर पढ़ता रहे और कम अज कम उसकी परेशानी दूर हो। मुझे जब किसी का पता चलता है तो मैं उसको रिकमेंड करती हूँ कि ये कम अज कम पहले 2-3 सफे जो है ना वो तो जरूर पढ़ लो, क्योंकि उसमें ये खुशखबरियां और ये सारी चीजें के बीमारी क्यों आती है और क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए ना कि मैंने इसमें अब आ तो गई आने वाली चीज, वो तो नहीं टाल सकता, अब तो वो अपने वक्त के साथ ही जाएगी, तो कम से कम एक हौसला बुलंद हो जाता है, उसका मोरल बुलंद हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, वो इतना मिजरेबल नहीं होता, इतना सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होता, सबर करना आ जाता है जो कि उस वक्त की जरूरत होती है। फिर विजिटिंग द सिक, इसमें अगर आप जा रहे हैं तो आप बीमार के ऊपर क्या पढ़ के दम करें, उसके बड़े बड़े हरफ भी हैं, ट्रांसलिट्रेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, और खूबसूरत फूल भी है कि जब कहीं रखे हुए हो तो देख देख के खुश होते रहे, तो इससे हौसला होता है, तसल्ली होती है। यानी बीमारी का ताल्लुक भी बहुत ज्यादा सोच के साथ होता है, किसी भी मुश्किल के वक्त अगर आपकी सोच पॉजिटिव है ना तो आपके लिए वो तकलीफ हल्की हो जाएगी। वो अचानक अटैक तो होता है, आप हर्ट होते हैं, लेकिन फिर आप उससे फौरन निकल आते हैं। तो मरीज के अहकाम ये हर बंदे के पास होनी चाहिए, बीमार हो तो फौरन ही निकालें, और फिर इसमें कुछ फिकी चीजें भी हैं, यानी कि वजू कैसे करें, तयम्मुम कैसे कब करें, और तरीका तयम्मुम का, और नमाज की रुख्सत, खड़े होकर नहीं तो बैठ के कैसे पढ़ें, लेट के कैसे पढ़ें, और फिर इस रोजे के बारे में, फिर अगर हज में कुछ चीजें हो जाए ऐसी तो फिर क्या करें, और फिर वेंटिलेटर के ऊपर या खुदकुशी वाले के साथ क्या करें, फिर कुछ मसरून चीजें जो है, और फिर आखिर में इसमें भी दुआएं हैं, ये दुआएं जो इसमें हैं इसके अंदर भी आखिर में डाली हुई हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त इंसान को अपने पे दम खुद करना
करना होता है या किसी और पे करना है या फिर आफियत की दुआएं हैं तो वो सारी इकट्ठी कर दी गई। इसके अलावा ये हुस्न सेहत किताब जो है बेसिकली जो मेरा जीना मेरा मरना है उस किताब का जो पहला चैप्टर था हुस्न सेहत के बारे में उसको जब मैंने पढ़ाया तो थोड़ा एलैबोरेट किया था और नई चीजें उसमें डाली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें, तो ये किताबें हर घर में होनी चाहिए ताकि अल्लाह ना करे कि कोई तकलीफ में हो या बीमार हो तो उस वक्त इंसान इनको पढ़ ले। मैंने तो अपने दाएं हाथ के पास रखी हुई है ताकि वक्तन फवक्तन पढ़ के अपनी सोचों का इलाज बंदा करता रहे, अपना मोराल बेहतर करता रहे, क्योंकि बीमारी तो बीमारी होती है लेकिन उसके अंदर जो परेशानी और जो नेगेटिव थिंकिंग और शैतान के वसाविस वो इंसान को ज्यादा बीमार कर देते हैं। और जब इंसान को ये होता है कि बीमारी अल्लाह की रजा का सबब भी बन जाती है तो इंसान के लिए हौसला हो जाता है। वो कैलेंडर भी इसी मकसद के लिए बनाया था कि डॉक्टर्स की टेबल पर हो, क्योंकि होता यह है कि जब डॉक्टर की टेबल पे कोई चीज भी रखी होती है ना तो मरीज जब बैठा होता है तो इधर उधर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, तो उस दिन का डेट भी हो और फिर साथ वो हदीस भी पढ़ने। मैंने रखा है मेन रूम, इसको बदलती रहती है, पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को मुश्किल वक्त में एक रिमाइंडर देती हैं और इंसान को फायदा होता है और तकलीफ आसान हो जाती है और फिर गुजर भी जाती है, पता भी नहीं चलता। सांसी, मैं सोच रही थी कि हजरत अय्यूब के सबर की तो मिसाल है ही, लेकिन उसके साथ उनकी जो बीवी थी वो जो तीमारदार थी उनकी अवलीन, उनका अपना सबर और उनका हौसला और उनकी हिम्मत अफजाई हजरत अय्यूब को करवाते रहना हम सब उन लोगों के लिए जो तीमारदारी करते हैं किसी न किसी हवाले से किसी न किसी बीमार शख्स की, तो कितना जरूरी है कि उसकी उम्मीद कभी ना तोड़े। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक छोटा सा क्लिप था वो सुन रही थी, वो डॉक्टर भी हैं, तो वो बता रहे थे कि एक बहुत ही सीवियर किस्म का कैंसर का पेशेंट था जिसको मल्टीपल कैंसर्स होते गए होते गए होते गए, वो बार बार अपने डॉक्टर से ही पूछता था कि मैं कब तक सर्वाइव करूंगा, मैं और कितना जी सकता हूं। तो हर बार उसको ये कहते हैं कि कोई नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपको बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और वो ठीक हो जाता था, उसका वो कैंसर दूर हो जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब वो डॉक्टर जो थे उनके मुंह से बस अब ये निकल गया कि बस अब आप दुआ कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यानी उसकी उम्मीद खत्म हो गई। और वो उसकी उम्मीद का खत्म होना था कि वो खुद भी खत्म हो गया फिर। तो वाकई ये उम्मीद और हौसला दिलाते रहना बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर ये कि मरीज के जो लवाहिकीन होते हैं उनको भी हौसला दिलाना। मुझे याद है कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में डेथ बेड पे थी और उनके टेस्ट भी हो रहे थे, तो एक यंग डॉक्टर मुझे याद है कि वो आया और उसने सारी रीडिंग्स देखी और हम लोग बैठे हुए थे तो वो कहता है ये भी ठीक है, इनका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। हालांकि मुझे नजर आ रहा था कि वो सर्वाइव नहीं कर रही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मौके पर भी हौसला दिलाना, क्योंकि परेशानी तो इंसान को होती है लेकिन दिल खुश हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, अच्छा सारी रीडिंग्स ठीक आ रही हैं तो बस ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने वाले साहब का एक शेयर करना चाहूंगी कि जब उन्हें डायग्नोज हुआ था कि उन्हें कैंसर है और वो माशाल्लाह काफी एजड भी थे, लेकिन उनकी थ्रू आउट द लाइफ उनकी सेहत माशाल्लाह काबिले रश की रही। उस टाइम पे वो वॉक किया करते थे जब पाकिस्तान में किसी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि वॉक करते हैं, तो डॉक्टर्स के बाद जब गए तो डॉक्टर्स ने कहा, यंग डॉक्टर्स थे, और उन्होंने कहा कि हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है कि आप रेडी हैं कीमो करवाने के लिए भी, हालांकि उनकी जो एज थी वो रिकमेंड नहीं करते थे। तो मेरे अब्बा जी कहते थे कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ। और मुझे एक दफा जब उनका फोन कॉल यहाँ पर आया, क्योंकि जब मैं उन्हें कॉल करती थी तो शायद वो नहीं मुझे मिल रहे थे और जब वो मुझे कॉल करते थे तो मैं नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग में आया कि बेटे पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा अब्बू सरवर अहमद बात कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए परेशान ना होना, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ और मैं सारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे कोई शिकवा किसी से नहीं, तो मैं फेस करूंगा इसको। और वो उससे काफी बेहतर भी हो गए उस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक वक्त था कि फिर जाना ही था, जो हमें नजर आ रहा था कि अब ये नहीं रहेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अब्बा जी आप मुझे कुछ लिख के थे कि मुझे पता था कि अब ये नहीं रहेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरा कलम साथ नहीं देता, हाथ साथ नहीं देता। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे कुछ लिख के दे, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा लेटर लिख के दिया जिसमें मैं महसूस कर रही थी कि उनका हाथ कांप रहा है और उनका कलम वाकई साथ नहीं देता, लेकिन उसमें जो दुआएं थी वो मेरे दिल पे लिखी हुई है। अल्लाह पाक उन सब की मगफरत करे, हमें उनके लिए सत्य जारिया बना दे। आज इत्तेफाक से नौरीन मलिक भी हमारे साथ हैं, ये भी एक कोविड के बहुत ही शदीद तरीन कैफियत से गुजरी। मैं चाहूंगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस किस तरह आपका इलाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत सारी बातें बताने को हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक, अभी जब आप लोग इसकी बात कर रहे थे उम्मीदी और ना उम्मीदी की, तो मेरी घर वाले बताते हैं कि इस तरह की कई दफा मेरी कैफियत हुई कि जिस वक्त उन्होंने कहा कि दिस इज इट, इट्स टाइम टू पुल द प्लग, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कजन है वो ईआर में काम करते हैं, तो उन्होंने जब कहा कि आप मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे डालिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हाउ कैन वी गिव अप, अभी हम और ट्राई करेंगे, तो मतलब सब लोग मुझे बताते हैं कि जिस तरह से उसने कॉन्फिडेंस से ये कहा कि नहीं हम नहीं गिव अप करेंगे, इट इज पॉसिबल। हालांकि वो जो टीम थी उन्होंने पूरे घर वालों को बुला लिया था और उन्हें कहा था कि आपको जिसको बुलाना है, जिसको करना है आप बुला लीजिए, अब देयर इज नथिंग मोर दैट वी कैन डू। तो ये मेरा ये वाला जो कजन था, इसने कहा नहीं, हाउ कैन यू जस्ट गिव अप लाइक दैट, हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और हम अभी भी कोई ना कोई तो हल ढूंढेंगे। तो मेरे ख्याल में जो ये सारी बात हो रही है ना कि द पॉजिटिविटी, एक पर्सन की पॉजिटिविटी कि नहीं अल्लाह पे तवक्कल करके हम कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, हम अपनी तरफ से छोड़ नहीं देंगे। आप उस दिन बता रही थी पता नहीं कितना अच्छा आपको एक साइड पर रखा था। अच्छा, इस तरह से था कि मुझे मेरा हार्ट और लंग दोनों ही काम करना बंद हो गया था, तो एक एक्मो मशीन है जिसमें हार्ट और लंग दोनों, वो मशीन मेरे लिए काम कर रही थी, तो ऐसा था कि उसमें चूंकि मैं खुद नहीं मूव कर सकती थी तो उनको करवट बदलना जरूरी होता था, लेकिन ऐसा था कि जब वो मेरी करवट बदलते थे तो मेरे सारे वाइटल एकदम से गिर जाते थे, तो वो इस वजह से इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू चेंज माई करवट, तो वो एक ही साइड पे ज्यादा रहे तो मेरे बेड सोर्स एवरीथिंग राइट साइड पे ज्यादा डेवलप हुए। तो बाद में जब मैं जाती थी उसी हॉस्पिटल तो मुझे कहते थे कि द नर्सेज डिडंट टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू, दे शुड हैव टर्न्ड यू अराउंड। बता रही थी ना बाकी सारे जख्म ठीक हो गए, सर का अभी भी कुछ बाकी है। जी, तो वो है कुछ चीजें। अब जैसे मेरे ख्याल में मैं ये जरूर कहूंगी कि इतनी सारी चीजें मेरे साथ इतनी ज्यादा मिराकुलस हुई हैं कि गिनती ही नहीं कर सकती मैं। एक एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ कि जब मैं ठीक हो गई थी, मैं पहली अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास विजिट के लिए गई थी, तो उसने मुझे मेरा ऑगस्ट का लंग एक्सरे दिखाया, तो वो पूरा व्हाइट था, पूरा व्हाइट यानी पूरा डिजीज हो चुका था, उसने इतना सा एक पेनी साइज हिस्सा था जो रह गया था, तो यानी पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका था और मेरे अंदर लंग्स में एयर बबल्स थे, तो वो बहुत परेशान थे इस बात से कि ये बबल्स बर्स्ट अगर हो गए तो क्या होगा। जब 2 महीने के बाद अपना नेक्स्ट स्कैन किया उन्होंने तो शी वॉज अमेज्ड, कहने लगी कि ये खुद से रिजॉल्व हो गए, हमें नहीं पता। इट वॉज ऑलवेज एन ऑप्शन कि वो कहते थे कि आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे तो हमें सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ेगा, या तो लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या हम पूरी सर्जरी की टीम बिठाएंगे कि हम किस तरह से इनको रिजॉल्व करें। तो जो उसने 2 महीने बाद मेरा स्कैन देखा, उसने कहा इट्स अनबिलीवेबल, और मुझसे पूछ रही थी, कहने लगी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा था कि जब तुम्हारे लंग पे प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं, इट वॉज जस्ट अ मिरेकल। इसी तरह एक उन्होंने मुझे चेस्ट ट्यूब डाली हुई थी, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो सुबह में पूरी टीम होती थी, वो जो मेरे सामने डिस्कशन कर रही होती थी, वो कहते होते थे अगर हमने ये ट्यूब निकाल दी तो ये कोलैप्स हो जाएगी, और वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इस ट्यूब को हम कैसे निकालें, क्या करें। तो 3-4 हफ्ते तक मैं एक आईसीयू में, फिर दूसरे उसमें, फिर तीसरे, अंटिल के उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया विदाउट टेकिंग आउट द ट्यूब, और उन्होंने कहा कि हम नहीं इंटरवीन कर सकते, वी आर टू स्केयर्ड। एंड सुभान अल्लाह, इट वाज सच अ मिरेकल कि जिस दिन उन्होंने मुझे मूव किया, मैं वार्ड में पहुंची तो जो मेरी नर्स थी वो आई मुझे दवा देने के लिए, तो उसने यूं झुक के नीचे देखा और उसने कहा तुम्हारी चेस्ट ट्यूब ये है, जमीन पे रखी हुई है। तो कहने लगे हाउ डिड इट कम आउट, तो मैंने कहा फरिश्तों ने निकाला मुझे। तो मतलब यानी कि वो डॉक्टर्स नहीं फैसला कर पा रहे थे कि हम कैसे करें, एंड वो जस्ट मिराकुलस, लिटरली मिराकुलसली वो ड्रॉप्ड आउट थे। उन्होंने फॉरन सर्जरी की टीम बताई सब कुछ, वो मुझसे पूछे थे ये कैसे हुआ, मैंने कहा आप बताएं कैसे हुआ, इट वॉज सर्जिकली सूचर्ड इन, मतलब वो सिली भी थी अंदर, देयर वॉज नो वे कि कोई ह्यूमन भी उसको ऐसे खींच के निकाल दे। लेकिन जब उन्होंने मुझे शिफ्ट किया तो वो ट्यूब खुद से जमीन पे थी। आई मीन वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स के वो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे, अगर हमने किया तो इसके साथ क्या होगा। तो वो मैं यही कहती हूँ अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी हो तो फिर जी शिफा अल्लाह देता है। जी बिल्कुल, इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें मेरे बैक पे ना मूव करने की वजह से इतना, यानी 6 इंचेस वाइड, 6 इंचेस डीप, 6 इंचेस अंदर टनल किया हुआ, इतना बड़ा जख्म था जिसकी वजह से मैं हिल नहीं सकती थी। मैं जब डॉक्टर से पूछती थी ये कितने दिन में हील होगा, तो मुझे कभी कोई टाइमलाइन नहीं देते थे, वो हमेशा कहते थे ये जब होगा तो होगा। एंड जब मैं रिहैब में थी और नर्सेज मेरी ड्रेसिंग चेंज करती थी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स
6 inches से वो 2 inches हो गया और वो देखते थे, वो कहते थे वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ हीलिंग। आप करती क्या थी, कौन सी दुआएं पढ़ती थी? दुआओं पे मैं ये अभी आप जब हजरत अय्यूब की दुआ बता रही थी तो मैं ये बात बहुत सोच रही थी कि जब भी मैं पहले अपनी जिंदगी में ये वाली दुआ देखती थी ना अल्लाहुम्मा अन्नी मस्सनी अद्दुर, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये दुआ कैसे हो सकती है कि अल्लाह ताला से आप कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर नहीं सकती थी, मूव नहीं कर सकती थी, इतनी सारी ट्यूब्स थी, द ओनली दुआ दैट आई कुड मेक वाज अल्लाहुम्मा अन्नी मस्सनी अद्दुर, कि मुझे तकलीफ है, मुझे ये नहीं पता था मैं किस चीज के लिए दुआ मांगू, आंखें ठीक हो जाए, हार्ट ठीक हो जाए, क्योंकि आई कुडंट मूव, आई कुडंट स्पीक। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि जो लोग बात नहीं कर सकते हैं उनको कितनी बेचारगी का एहसास होता है, क्योंकि आई कुडंट टॉक, और वो ये भी नहीं उनको समझ आ रही थी कि ये बोलेगी तो कैसे हम क्या करें कि बोलना शुरू हो जाए, मैनी मैनी थिंग्स, मतलब तो मुझे वो एहसास हुआ कि जो लोग हाथ ना हिला सकते हो उनको कैसा लगता होगा। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, मैं हाथ उठा के पानी नहीं पी सकती थी, मैं उनको इशारे से कहती थी कि मुझे पानी दे दें तो उनको समझ नहीं आती थी, फिर वो किसी तरह पानी का ग्लास करीब आया तो मैं उठा नहीं सकती थी, उठाया मुंह में डाला तो मैं स्वॉलो नहीं कर सकती थी, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि एक पानी का ग्लास पीना हम कितना नॉर्मली उठाया और पी लिया, लेकिन आप उठा ना सके, मुंह तक ले जा ना सके, उसको डाल ना सके और मुंह में चला भी गया तो फिर उसको स्वॉलो ना कर सके, एक एक्ट में अल्लाह ताला की कितनी रहमतें हैं और नेमतें हैं, हम कितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई मीन आई हैव अ लिस्ट ऑफ जो मिरेकल्स हैं, मेरे ख्याल में इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैं तो मोजज़ा हूँ दुआओं का, लेकिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है उन्होंने कितनी तड़पें मांगी थी कि अल्लाह ताला ने सबकी दुआ मेरे लिए कबूल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। सईद कहते हैं कि मैं सलमान के साथ किंदा में एक मरीज की आदत के लिए गया, जब वो मरीज के पास आए तो उन्होंने कहा खुश हो जाओ। अब अगर हम किसी मरीज को कहें खुश हो जाओ तो वो आगे से शायद माइंड कर जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि बेशक मोमिन के मर्ज को अल्लाह ताला कफारे और अपनी रजा का सबब बना देते हैं, और फाजर का मर्ज ऐसा है जैसे कि ऊंट कि उसके मालिक ने उसे बांध दिया उसके बाद छोड़ दिया और उसे खबर नहीं कि क्यों बांधा और क्यों खोला, क्यों हंका दिया। फिर इसी तरह आग के अजाब का बदल बनने के लिए भी बीमारी आती है, यानी आखिरत के अजाब से बचाव के लिए। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज की तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए जिसे बुखार था, मैं भी आपके साथ था, आपने उसे फरमाया खुश हो जाओ, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बुखार मेरी आग है जिसे मैं अपने बंदे पर दुनिया में मुसल्लत कर देता हूँ ताकि उसकी आखिरत वाली आग के अजाब का बदल बन जाए। इसलिए बुखार को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नहीं दुनिया का बुखार आखिरत के अजाब से बचाव का जरिया बन जाता है। फिर इसी तरह आम दिनों में इंसान जो नेक अमल करता रहता है बीमारी में अगर नहीं कर सकता तो वो उसके लिखे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन भर का कोई अमल ऐसा नहीं जिस पर मुहर न लगाई जाती हो। चनाचे जब मुसलमान बीमार होता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब तूने फलां बंदे को रोक दिया, यानी अब वो ये नहीं कर सकता जो पहले हर रोज करता था। रब अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि उसके तंदुरुस्त होने तक जैसे वो अमाल करता है उनकी मुहर लगाते जाओ, या ये कि वो फौत हो जाए तो फिर और बात है, यानी बीमारी में उन सारे अमाल को उसके लिए मुहर लगाते जाओ, यानी उन्हीं अमाल को रेप्लीकेट करते जाओ कि गोया कि वो कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा बीमार होता है या सफर में जाता है तो उसके वो तमाम अमल लिख दिए जाते हैं जो वो हालत क्याम और जमाने तंदुरुस्ती में किया करता था, और दुनिया में जिन पे तकलीफ आती है अगर वो सब्र करे तो क्यामत के दिन उनको मिलने वाले अजर को देख कर लोग तमन्ना करेंगे काश हमारी जिल्दें कैंचियों से काट दी जाती। फिर इसी तरह बाज बीमारियों में जब लोग फौत हो जाते हैं तो शहादत का सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी सबीलिल्लाह मारे जाने के अलावा 7 तरह की शहादत और है, एक वो जो ताउन की बीमारी में मरे, दूसरे जो पानी में डूबकर मरे, तीसरे जो जातुल जम जैसे फेफड़ों की बीमारी उसमें मरे, चौथा पेट की बीमारी में मरने वाला, पांचवा जल कर मरने वाला, छठा छत या दीवार के नीचे दब के मरने वाला, 7वें वो औरत जो हामिला हो और मर जाए, ये सब शहीद कहलाएंगे, ये सब भी शहादतें हैं। फिर अल्लाह के इज़्ज़त से बीमारी जो है वो जन्नत में दाखिले का जरिया भी बनती है।
और उसमें वो खातून जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था और उसने दुआ के लिए कहा था, आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, और चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं कि अल्लाह तुम्हें सेहत और आफियत दे दे। तो उसने कहा कि मैं सब्र करूंगी, लेकिन मेरा सतर खुल जाता है, तो आप दुआ करें कि मैं जब बेहोश हूँ तो फिर मेरा सतर ना खुले। तो आपने उसके लिए दुआ कर। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाअल्लाह ताला बाकी कल सीखो कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।